हर साल के मुकाबले इस साल साउथ डब्ड फिल्म्स थोड़ी कम ही आई, बट ज़्यादा इफेक्टिव भी। हर बार साल में 100 से ज़्यादा साउथ डब्ड फिल्म्स आती है, इस बार ये गिनती कुल 71 फिल्मों की थी। तो चलिए आज हम इन फिल्मों में से कुछ टॉप फिल्म्स पर बात करते हैं। हमारे टॉप फिल्म्स पर बात करने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात करते हैं जो इस लिस्ट में नाम बना नहीं पाए। हाँ, यहाँ पे कुछ फिल्म्स आपको अच्छी लगी होगी। ये लिस्ट मेरी ओपिनियन बेस्ड है और IMDb रेटिंग्स के बेसिस पर भी, कॉज यहाँ पे मैं जो लिस्ट की फिल्म्स बताने वाला हूँ वो ज़्यादातर मास अपील होगी। स्टोरी में कुछ नयापन नहीं होगा, पर अगर साउथ फैंस हो तो देखना तो बनता है। ऑनरेबल मेंशंस। नंबर 1, पुष्पा द राइज। अल्लू अर्जुन के धमाकेदार कैरेक्टर और डायलॉग्स के लिए आप इसको एक ट्राई दे सकते हो। इसका फुल रिव्यू हमारे चैनल पर अवेलेबल है। फॉरेंसिक, टोविनो थॉमस की इस साल की मिनल के बाद की बेस्ट फिल्म, जो क्राइम जेनर में अलग एक्सपीरियंस होगी फॉर श्योर। कुरूप, एक रियल लाइफ स्टोरी जिसमें सब टाइप के जेनर्स इंक्लूड होते हैं, ये भी आप मिस मत करना। यू कैन वॉच दिस फिल्म ऑन नेटफ्लिक्स। नंबर 4, मरक्कर। 3 नेशनल अवार्ड्स इस फिल्म की हाइप क्रिएट करने में काफ़ी है, फिर भी इसके रन टाइम फ्लॉज और स्टोरी फ्लॉ के कारण ये भी टॉप 10 में जगह बना नहीं पाई। यू कैन कैच दिस फिल्म ऑन Amazon प्राइम। नंबर 5, जग में थंडी रन। इसकी वाइब के लिए और धनुष सर के लिए आप इस फिल्म को देख ही लो, रिग्रेट नहीं करोगे। यू कैन वॉच दिस फिल्म ऑन नेटफ्लिक्स। नंबर 6, वी। Amazon प्राइम पर जब ये फिल्म आई तब वी ने तूफान मचा दिया, और मचाएगी भी क्यों ना। एक दमदार चोर पुलिस स्टोरी के लिए सबको ये फिल्म एक बार तो देखनी होगी। क्रैक, 2 बार डब होने वाली इस फिल्म ने सबके दिल में एक अलग जगह बना दी। मासी, फुल फैमिली एंटरटेनर के लिए आप इसको एक बार तो देख ही लो। नंबर 8, विजय द मास्टर। थालपति विजय सर का पर्सनली मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, फिर भी मैंने अनबायस होकर इसको टॉप 10 में नहीं जगह दी, कॉज आप खुद ही जान जाओगे देखने के बाद। पर इसका ये मतलब नहीं कि मास्टर फिल्म अच्छी नहीं है। अच्छे एक्शंस और अच्छी राइवलरी के लिए आप इस फिल्म को किसी भी हाल में मिस मत करना, क्योंकि इस फिल्म का स्वैग टॉप नॉच है। नंबर 9, मड़ी। एक अलग एक्सपेरिमेंट के लिए इस फिल्म को अप्रिसिएशन मिलना ही चाहिए। यह फिल्म अभी थिएटर्स पर लगी है। मुझे पर्सनली मड़ी को टॉप 10 में बिठाना था, पर इस साल के फिल्म्स की लाइनअप बहुत तगड़ी है, इसलिए नहीं डाल पाया। नंबर 10, प्राइम विटनेस। अगर आपको एक क्राइम थ्रिलर फिल्म देखनी हो और दृश्यम के फैंस हो तो यह फिल्म किसी भी हाल में मिस मत करना। और इन 10 फिल्मों के अलावा आप तेनाली रामाकृष्ण BABL, अच्छी कॉमेडी के लिए A1 एक्सप्रेस, स्पोर्ट के फैंस हो तो अथीरन, इंडियन शटर आइलैंड एक्सपीरियंस और फाद फासिल के परफॉर्मेंस के लिए अश्वत्थामा। अगर सीरियल किलर बेस्ड फिल्म्स पसंद हो तो लुका, तो टोविनो थॉमस और मलयालम सिनेमा के एक्सप्लोरेशन के लिए देख सकते हो। और इस लिस्ट में फिल्म्स के नीचे OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं लिखा तो समझ लेना कि वो फिल्म यूट्यूब या थिएटर में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं टॉप 10 साउथ डब्ड फिल्म्स ऑफ 2021 की। नंबर 10, महामुनि। आई गेस ये इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड साउथ डब फिल्म है। आपको एक क्रिप्टिक मैसेज और सोशल सिंबोलिज्म के लिए महामुनि एक बार तो देखनी पड़ेगी। हालांकि ये फिल्म सिर्फ क्लास ऑडियंस के लिए है, कॉज स्क्रीन प्ले के कारण सब ऑडियंस इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। नंबर 9, निनिला निनिला। ये भी इस साल की एक मोस्ट अंडररेटेड फिल्म है। एक प्योर लव क्या होता है और लाइफ के डीप मीनिंग्स के लिए आपको इसको एक ट्राई तो देना ही होगा। इस फिल्म पर मैं घंटे बात कर सकता हूँ, पर उससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और बाय द वे, ये फिल्म G5 पर अवेलेबल है, डू चेक इट आउट नाउ। नंबर 8, मिनल मुरली। मिनल मुरली पर डेडिकेटेड रिव्यू हमारे चैनल पर अवेलेबल है, डू चेक इट आउट टू। नंबर 7, एडवेंचर ऑफ श्रीमन नारायण। अगर आप कुछ हटके देखना पसंद करते हो तो आपने ये फिल्म देख ली होगी। एक विजुअली ट्रीट और सुपर स्टोरी लाइन के लिए आप इस फिल्म को एक बार देख लो अगर नहीं देखा है तो। नंबर 6, कानुम कानुम कोलाडेथल। नाम से आपको कुछ खास नहीं लग रही होगी, बट बिलीव मी, आप इस फिल्म को एक बार देखोगे तो भूलोगे नहीं कभी। सो चेक दिस अमेजिंग फिल्म टू। नंबर 5, महानटी। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका कई फैंस डब होने का इंतज़ार कर रहे थे
और अगर आपने थलावी फिल्म देखी होगी तो इसको एक चांस दे के देखो। ब्रिलियंस एट ऑल एस्पेक्ट्स और एक मास्टरपीस किसे कहते हैं आप समझ जाओगे। नंबर 4, एजेंट साई। एक क्रिमिनली अंडररेटेड इस फिल्म को किसी भी एप्रिसिएशन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर्स पसंद करते हो तो देखो भाई जाके, वो भी फ्री ऑन यूट्यूब। नंबर 3, आसुरन। अगर क्लास की डेफिनेशन होगी तो आसुरन उसमें टॉप 10 में हर बार होगी। ब्रिलियंट एक्टिंग बाय नन अनदर देन धनुष के राजा सर और अमेजिंग स्टोरी एंड डायरेक्शन बाय द डायरेक्टर, ये दो चीज़ काफ़ी है किसी भी तरह की फिल्म को एक क्लासिक बनाने में। टू चेक दिस आउट ऑन अमेजॉन प्राइम वीडियो है। नंबर 2, उड़ान। बेसिकली ये फिल्म मैं सबको हाईली रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज इस फिल्म जैसी सच्ची एक मोटिवेशनल फिल्म मैंने पूरी इंडिया में कहीं नहीं देखी, और इसके डब्ड वर्जन में भी उतना ही मज़ा आता है। सीधा जाकर देखो इसको प्राइम पर, और फिर आप ही रिकमेंड करोगे सबको ये फिल्म। तो कोई शक नहीं है इस बात पे कि इस साल प्राइम वालों ने बाजी मारी है साउथ कंटेंट में, और हमारी पहले नंबर की फिल्म भी प्राइम की ही है। तो सूर्या को पैन इंडिया स्टारडम दिलाने वाली फिल्म, नंबर 1 फिल्म इस साल की जय भीम। बिलीवेबल और रियली दिल को छू लेने वाली जय भीम मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने मिस कर दी होगी, और ये डिजर्व भी करती है। इस फिल्म का ग्राउंडेड रहना जय भीम को एक अलग पहचान दिलाता है, और इन सभी फिल्मों के अलावा 2 फिल्म्स है जो हालांकि साउथ इंडियन नहीं है, बट आप इसको भी चेक कर लो एक बार। तो नंबर 1 आमिस एंड नंबर 2 गोलंदाज, आप रिग्रेट नहीं करोगे। सो आपने इस साल की कौन कौन सी साउथ डब फिल्म को एंजॉय किया वो हमें बताओ, और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, 'cause यू आर फिल्मी।